सावधान, जिस ब्रांडेड कंपनी का क्रीम आप अपने चेहरे पर लगा रहे हैं हो सकता है वो एक्सपायरी हो। बालों का झड़ना रोकने के लिए जो तेल आप लगा रहे हैं, क्या हो अगर उसको लगाने के बाद आपके बाल ही झड़ने लग जाएं? क्या हो अगर आपके खरीदे प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट ही फर्जी निकल जाए? उनको वहाँ पे नई डेट लगा के, नई डेट चस्पा करके और उस सामान को नए तरीके के बोतलों में भर के, नई तरीके की पैकेजिंग करके, इस तरह का एक वहाँ पे एक गोडाउन संचालित था। जी हाँ, ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर एक्सपायरी प्रोडक्ट को रीपैकिंग कर सस्ते दामों पर बेचने वाला गोरख धंधा चल रहा है। ऐसे ही ब्रांडेड कंपनियों के एक्सपायरी प्रोडक्ट को रीपैकिंग कर सस्ते दामों पर बेचने वाला गिरोह पुलिस ने पकड़ा है। इनसे 15 लाख रुपए की सामग्री जब्त की गई है। क्राइम ब्रांच इंदौर की टीम ने एरोड्रम क्षेत्र के छोटा बांगड़दार रोड पर स्थित सावरिया नगर के गोडाउन पर दबिश दी थी। यहां बड़ी मात्रा में ब्रांडेड कंपनियों की कॉस्मेटिक सामग्री मिली। एक्सपायरी सामग्री को रीपैकिंग कर बाजार में खपाया जा रहा। इससे कंपनियों को तो आर्थिक नुकसान हो ही रहा था, आम लोगों के साथ भी छल किया जा रहा था। क्राइम ब्रांच ने गिरीश जैन के गोडाउन से पतंजलि, डेटॉल, जैस्मिन, संतूर, पार्क एवेन्यू, इंडिका जैसे कंपनियों की सामग्री बरामद की है। आरोपी के पास वैध लाइसेंस भी नहीं मिला। फिलहाल गोडाउन को सील करके आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एरोड्रोम थाना अंतर्गत एक फैक्ट्री पकड़ी गई थी, गोडाउन में छापा मारा गया, जहां पर ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स और अन्य जो घरेलू उपयोग के सामान होते हैं उनको एक्सपायर्ड, जो इनकी एक्सपायरी अवधि के जो पश्चात के सामान होते हैं उन पे जो है कार्रवाई की गई है और जो है उसमें काफी माल जब्त किया गया है और उसमें जो है जितने भी पैकेजिंग मटेरियल है वो सब भी उसमें पाया गया है। काफी समय से इन गतिविधि में लिप्त है ये और जो है इनसे मैं समझता हूँ लाखों रुपए का सामान जो है बरामद किया गया। आरोपी का ये नाम है गिरीश जैन, तो इनको इस प्रकरण में जो है आरोपी बनाया गया।